तो एक्सेल में हम लोग चार्ट बनाना पड़ेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट में क्या क्या विकल्प, उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत हम पहले एक्सेल खोल लेते हैं। ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और चार्ट बनाना है तो हमने ब्लैंक वर्कबुक ले लिया है। तो पहले मुझे कुछ डाटा लिखना पड़ेगा, मैं कुछ डाटा टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसको जूम कर देता हूँ, दिखा बड़ा दिखाई दे, मैंने कर दिया यहाँ पे। लिख मैं सिंपली लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लास, और मानी मैं लिख रहा हूँ कक्षाएं, टेंथ, और सिंपल चार्ट ले रहा हूँ टेंथ ट्वेल्थ, और मैंने क्लास ले ली, स्कूल कर देते हैं इसको। नंबर वन, नंबर टू गर्ल्स मॉडल, और हम लिख सकते हैं स्कूल रिजल्ट कंपैरिजन। हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ नंबर टू कर देते हैं, ये हम परसेंटेज लिख रहे हैं यहाँ पर। हमने लिखा है यहाँ पे 67, 71, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 65, 69, 74, 76, मॉडल में हमने लिख दिया है 56, 60। लुक अच्छा करने के लिए हमने यहाँ बॉर्डर लगा दिया। तो देखें, हमें जितने भाग का चार्ट बनाना है उतना भाग हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने क्या किया, स्कूल से लेकर के इतना पूरा हमने क्या सेलेक्ट कर लिया चार्ट को, जितने भाग का चार्ट बनाना है। चार्ट हम ने जाना है कि चार्ट हमारा क्या है, कि अगर डेटा का कंपेयर करने का टूल है। तो पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया स्कूल से लेके परसेंट, जितने भाग का चार्ट उतना सेलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर जो लिखा है स्कूल रिजल्ट कंपेयर, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये चार्ट का एलिमेंट नहीं हमारे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी हमें लाना है अपनी फाइल में तो उसके कमांड इंसर्ट में होते हैं, तो हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ देखें चार्ट का पूरा सेक्शन है, चार्ट पूरा सेक्शन ही चार्ट का है। यहाँ पर सारे चार्ट सामने दिख रहे हैं, ये आपका कॉलम बार चार्ट है, ये आपका लाइन चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है, कई तरह के चार्ट यहाँ दिख रहे हैं। और अगर सारे चार्टों की सूची चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ देखें एक सूची यहाँ पे आ ही रही है जो बाहर दिख रही थी, साथ ही एक ऑप्शन क्या है, ऑल चार्ट्स ऑप्शन है, ऑल चार्ट्स, हमने ऑल चार्ट से क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये कॉलम चार्ट है, ये सारे विकल्प कॉलम चार्ट के दिख रहे हैं। अगर मैं लाइन में क्लिक करूँ, सारे विकल्प किसके आगे है, लाइन चार्ट के आगे हैं। ऐसे पाई चार्ट मैं जिस टाइप में क्लिक कर रहा हूँ उसके सब टाइप यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे ऊपर हमारा कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में ये कौन सा है, क्लस्टर्ड कॉलम है। हम आगे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं स्टैक्ड कॉलम है, ये 100% स्टैक कॉलम है, 3D क्लस्टर्ड कॉलम है। यानी सारे आपको यहाँ पे क्या है, टाइप हैं, और यहाँ पे क्या सब टाइप हैं, जो टाइप चुनेंगे उसके अंतर्गत जो प्रकार उपलब्ध हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। जिसमें मैंने अगर पाई क्लिक किया जहाँ पूरे चेंज हो गए हैं, ये पाई के सब टाइप हैं। तो मैंने कॉलम लिया हुआ है, तो फिलहाल हम इनमें किसी ऑप्शन पर नहीं जा रहे हैं। हमने कॉलम चार्ट का क्लस्टर्ड कॉलम जो ऑप्शन बाई डिफॉल्ट है पहले से ही है, हमने उसे क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये आपका एक चार्ट बन चुका है। चार्ट को हम थोड़ा जैसे हम देखें चार्ट डाटा के ऊपर आ रहा है, तो ये आप जब ये कर इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारा चार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे 10th 12th कक्षाएं लिखी हैं, और नंबर वन नंबर टू गर्ल्स मॉडल, ये स्कूल के नाम लिखे हुए हैं। जैसे हमने देखे हम चार्ट पे हैं, तो ये देखें व्यू डेवलपर मेनू कम कंप्यूटर में रहता है, व्यू तक ही मेनू टैब रहते हैं। ये डिजाइन और फॉर्मेट, ये दोनों टैब एक्स्ट्रा आ गए चार्ट टूल के अंतर्गत, ये टैब पहले से नहीं थे। जैसे मैं चार्ट के बाहर के क्लिक करूंगा, मैं चार्ट के बाहर क्लिक किया, ये दोनों टैब हट चुके हैं। और जैसे हम चार्ट में आएंगे, ये दोनों टैब हमको क्या है, दिखाई देने लगते हैं। तो जो दो टैब है डिजाइन फॉर्मेट, यहाँ पर केवल चार्ट संबंधी कमांड हैं। तो चलिए हम कुछ कमांड देखते हैं। डिजाइन में क्लिक किया हमने चार्ट टूल के अंतर्गत, नीचे डिजाइन टैब हमने खोल लिया है, इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमें। डिजाइन में क्लिक कर देंगे, डिजाइन हमारा खुल जाएगा।
अब देखें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम सिंपल सिंपल ऑप्शन देख रहे हैं, जो ऑप्शन बहुत सरल हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक देखें, चार टाइटल लिखा है ना, चार टाइटल। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, केवल चार टाइटल लिखा है, यानी चार्ट का है कि यहाँ कुछ लिखा नहीं है। हमको टाइप करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखेंगे पूरी यहाँ बिंदी बन गई, मतलब सेलेक्ट है। अब हमने टाइप किया स्कूल, अब जो कुछ टाइप कर रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला वाला दिखाई भी दे रहा है, और जैसे इंटर दबाएंगे आ जाएगा स्कूल रिजल्ट कंपैरिजन। और जैसे लिख के इंटर दबाया हमने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारा आ गया, टाइटल वहां लिखा हुआ आ गया। ऐसे कई जगह देखते हैं आप चार्ट में, यहाँ पे लिखा होता है कि जैसे नंबर नंबर टू लिखा ही है, क्या ही है हमको मालूम है, स्कूल हम चार्ट में बनाया है, लेकिन कोई दूसरा आदमी देखे उसको समझना कठिन पड़ेगा। ऐसे जो चार्ट गया है ये काहे का गया है, हालांकि यहाँ लिखा है टेंथ ट्वेल्थ है, लेकिन टेंथ ट्वेल्थ क्या है, ठीक है समझ में आ रहा है कि तो क्लासेज हैं, लेकिन फिर भी लिखा होना ज़्यादा अच्छा रहता है, लिखा रहेगा तो हम जोड़ना चाहते हैं। तो ये देखें, एड चार्ट एलिमेंट आपका किनारे कमांड डिजाइन टाइम में है, जिसके द्वारा हम चार्ट में किसी भी तरह के एलिमेंट जोड़ सकते हैं। क्लिक करिए, कहाँ एड चार्ट एलिमेंट क्लिक करिए। पहला कमांड एक्सिस है, इसका प्रयोग तब करेंगे अगर आपको एक्सिस एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिलहाल तो एक्सिस हमारे दो एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक्सिस आसन में चाहिए नहीं हमें। एक्सिस टाइटल देखिए यहाँ पे, हमको अगर टाइटल देना है एक्सिस का, एक क्या है हॉरिजॉन्टल, एक क्या है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या करेंगे हम, जैसे देखिए मैं यहाँ माउस ला रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल में, जैसे मैं क्लिक कर दूं यहाँ मैंने, तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे क्या एक्सिस टाइटल दिखाई दे रहा है, हम जो कुछ लिखेंगे यहाँ पे लिख जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया स्कूल, आप जो टाइप कर रहे हैं आपका फॉर्मूला बार में टाइप हो रहा है, और जैसे इंटर दबाएंगे एक्सिस टाइटल जगह लिख जाएगा। जैसे हमने इंटर दबाया एक्सिस टाइटल क्या है हमारा स्कूल लिख गया। इसी प्रकार यदि हमको वाई एक्सिस में टाइटल चाहिए, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, एड चार्ट एलिमेंट में गए, एक्सिस टाइटल में जहाँ हम गए थे पहले भी, यहाँ हमने क्या वर्टिकल ले लिया, वर्टिकल। जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया क्लासेस, इंटर दबाया तो यहाँ पे क्लासेस लिख गया है। जैसा चार्ट में जनरली चाहते हैं आप कि एक्स में एक्सिस लिखी रहे और वाई में लिखी रहे, तो ये हमारे यहाँ पे लिख गया है। और एलिमेंट देखिए सिंपल एलिमेंट है, हम एलिमेंट में गए यहाँ पे, चार टाइटल हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ सब चाहें तो उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे चार टाइटल चाहिए हम पहले लिख चुके हैं, तो हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। डाटा लेबल, डाटा लेबल की आवश्यकता क्या है, अगर आप देखें चार्ट में संख्या कितनी है, जैसे चार्ट यहाँ तक गया है लेकिन एग्जैक्ट संख्या कितनी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, ये तो मालूम पड़ 60-70 के बीच में है, लेकिन कितना ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से अंदाजा लगेगा। तो अगर हम डाटा लेबल में गए तो क्या होगा, आप ये जो यहाँ तक आया है बार ना, ये संख्या कितनी वो वैल्यू लिख जाएगी, कहाँ चाहते हैं वैल्यू, सेंटर में चाहते हैं बीच में लिखाएगा, ऊपर चाहते हैं अंदर ऐसे लिखाएगा, नीचे चाहते हैं ऐसे लिखाएगा, बाहर चाहते हैं ऐसे लिखाएगा, यानी आप कहीं पे चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर कर दिया तो क्या हो गया, ऐसे वैल्यू लिख गई है कि जो बने हुए अपने बार इनकी ऊंचाई कितनी है, अनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिक्स यहाँ पे हो गया कि इतनी ऊंचाई इनकी है। ऐसे आप चाहते हैं कि चार्ट के साथ टेबल भी यहीं पे आ जाए, तो हम क्या गए यहाँ पे, यहाँ पे हम गए ऑप्शन डाटा टेबल लिखा है, विथ लीजेंड की हमने लिया, तो क्या हो रहा है चार्ट तो आया है हमारे साथ में, टेबल भी आ गई है, जिस टेबल का चार्ट है आप डाटा टेबल जाके जहाँ भी सर डाटा टेबल चाहते हैं हमारा आ जाता है। टेबल आप नहीं चाहते हैं हटा भी सकते हैं टेबल आ गई, तो हम यहाँ पे फिर से गए डाटा टेबल में, हमने क्या कर नॉन कर दिया, तो हमारी टेबल क्या हट गई, हमारी चॉइस, हम टेबल चाहे रखें चाहे ना रखें। यहाँ देखें चेंज कलर है हमारे ऑप्शन, आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तभी हमारी ऊपर वाला सेलेक्ट ये वाला कलर है, हम नीचे जाएंगे तो क्या होता है हमारा कलर क्या होता है चेंज हो जाता है, कलर कलर चेंज किसका होता है, इन बार्स का कलर चेंज होता है। यहाँ पे स्टाइल बहुत सारी है, आप स्टाइल्स में क्लिक कर सकते हैं, बस केवल चार्ट वही स्टाइल, बहुत चार्ट स्टाइल देखें बहुत सारे स्टाइल हैं, चार्ट वही रहेगा बस उसका तरीका दिखने बदल जाएगा, कई सब में केवल क्लिक कर दें जो स्टाइल ठीक लग रही हो।
देख लें, बहुत सारे स्टाइल हैं, जो अच्छा लगे आप उसको ले लीजिए। हम कोई भी स्टाइल चुन सकते हैं। अगर यहाँ से कोई पूछे कि नंबर एक स्कूल में कक्षा 10 कक्षा 12 में किसका रिजल्ट बेटर है, तो हम देख रहे हैं कक्षा 12 का बेटर है, ये बार हाई है। लेकिन कोई ये पूछे कि कौन सी स्कूल का रिजल्ट कक्षा 10 सबसे बेटर है, हमको सारा देखना पड़ेगा, 67, 65, 74, 56, मतलब इसका बेटर हमको लग रहा है। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि एक झटके में लिख जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा चार्ट है क्या कर रहा है, ये स्कूल के क्लास की तुलना कर रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कूल में किसकी तुलना कर रहा है, उसकी दोनों कक्षाओं की तुलना कर रहा है। यहाँ देखिए स्विच रो कॉलम है, यहाँ पे वो क्या करेगा, रो कॉलम को पलट देगा, क्लिक करिए रो कॉलम में, हमने क्लिक किया तो क्या हो गया, ये इस जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया रो कॉलम में तो स्कूल यहाँ आ गया और क्लास क्या हो गया, मतलब ये तो टाइटल आपका नहीं बदलेगा। लेकिन देखें 10th 12th ये हमारा क्लास आ गई है, आपके पूछे 10th में कौन सी स्कूल बेटर है, तो 74 दिख रहे हैं, 74 हमें, और 74 कौन सी है, गर्ल्स है। इस तरह तुलना करना, यानी आप रो कॉलम को पलट भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि चार्ट जो बन गया तो ऐसे ही रहेगा, ये विकल्प आपको कागज में नहीं मिलता है, चार्ट जो बन गया तो बन गया, वापस रिवर्ट कर सकते हैं जी सर, वापस रिवर्ट कर सकते हैं, क्लिक करें फिर से रिवर्स हो जाएगा। यहाँ देखिए सेलेक्ट डेटा, हमें कुछ पार्ट कम करना है, इसमें सेलेक्ट डेटा मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो मान लीजिए मुझे गर्ल्स स्कूल नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 स्कूल तुलना करना, नंबर 1 नंबर 2 मॉडल, हमने गर्ल्स को हटा दिया, तो क्या होगा, चार्ट से गर्ल्स स्कूल डेटा क्या करेगा, हटा देगा वो, हमने ओके कर दिया, तब क्या हो गया, ये गर्ल्स स्कूल नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 मॉडल 3 स्कूल ही है। तो आप कितने भाग का चार्ट चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जितना सेलेक्ट पूरे चार्ट बनेगा, आप उसमें से कुछ पार्ट हटा भी सकते हैं, ये हमारी च्वाइस है, पूरा लेना है तो हम पूरा कर देते हैं। चार्ट टाइप बदलना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी, करेंट चार्ट टाइप क्या है, क्लस्टर्ड कॉलम है, मैं किसी और में क्लिक करूँ, 3D कॉलम में क्लिक करूँ तो चार्ट टाइप हमारा बदल जाता है, मैंने इसको दूसरा टाइप ले लिया, यानी आपको चार्ट टाइप बदलने के लिए पूरा काम दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइन चार्ट चाहते हैं, हमने लाइन क्लिक कर दिया और लाइन चार्ट ले लिया, ओके कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये लाइन चार्ट बन गया है। आपको लाइन चार्ट नहीं अच्छा लग रहा है, वही अच्छा लग रहा था पहले वाला, तो हम इसको अंडू कर सकते हैं, हमने भी कभी कमांड दिया है। तो ये चार्ट बदलने के लिए भी आपको पूरा स्टेप दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने चार्ट के बनाना और चार्ट के विभिन्न ऑप्शंस देखे हैं।